फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आज आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। अभी सुबह का देखिए 10:15 हो रही है। लगभग मेरी नाश्ता बन चुकी है और रोटी सब्जी दाल चावल मैं नहीं बनाई हूँ, और रात का चावल थी तो उसे मैं फ्राई की हूँ। देखिए यहाँ, देखिए रात का चावल जो बच गई थी उसे मैं फ्राई की हूँ। मैं दिखा रही हूँ, देखिए एक मिनट। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, रात का चावल बच गई थी तो थोड़ा सा उसमें प्याज सूखा मिर्च देकर और काला जीरा जो बोलते हैं उसे मैं देकर अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और बैंगन का भाजा बनाऊँगी, बस उसी से ये हो जाएगा। और रोटी दाल और चटनी ये सब बनाई हूँ मैं। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, हमारे दोनों बच्चे सोए हुए हैं क्योंकि आज स्कूल नहीं था और ठंड है, इसी वजह से मैं नहीं उठाई हूँ। सोए हुए हैं दोनों बच्चे। और उस रूम में तो मैं आपको दिखाई हूँ कितना बज रहा है। देखिए कपड़ा भी है, सब समेटना है, कल का कपड़ा है। देखिए वहाँ कुर्सी पे रखा हुआ है तो सब भी समेटूँगी। और नाश्ता मेरा लगभग बन गया है, सिर्फ चावल में फ्राई कर रही हूँ, रात का चावल बच गई थी उसी को। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ आपको जरूर अच्छा लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए, सभी को मैं नाश्ता करवा देती हूँ। और जब भी हमारे घर में अगर रात को चावल बनती है, अगर बच जाती है तो मैं उसी तरह फ्राई कर देती हूँ, प्याज सूखा मिर्च देकर, तो बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा घी डाल दूँगी और बैंगन का भाजा, बस सिंपल सा सुबह का नाश्ता। सिर्फ पापा के लिए रोटी बनाई हूँ। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, आशा करती हूँ आपको जरूर अच्छा लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड फाइनली सभी का नाश्ता पानी हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ, घर पहुँचूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद और भी काम है, खाना भी बनाना है। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने हमारे नए फ्रेंड हैं, पुराने फ्रेंड हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, फुल वॉच करें। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, और अभी मैं और भी काम है जो कर लेती हूँ। हाय, तो फाइनली मेरा नहाया धोया हो गया है, मैं ऊपर आई हूँ। देखिए कपड़ा सब पसार दिए हैं, आरसी भी आई है, आरसी शैम्पू करी है। हाँ। और मैं भी शैम्पू करी हूँ क्योंकि आज मैं नहीं करती, आज शनिवार था, लेकिन करना पड़ा क्योंकि किचन थोड़ा साफ सफाई किए, काम हो गया है किचन का, इस वजह से नहा कर चली आई हूँ छत पर। और यहाँ देखिए न्यू स्वेटर पहनी हूँ, और सोची थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। और खिचड़ी मैं बनाई हूँ, खिचड़ी बैंगन का भाजा चोखा ये सब बनाई हूँ, ज़रूर दिखाऊंगी आप सभी को। और बस दिखा ही सकते हैं, खिला तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करें। और आशा रखती हूँ जो सभी फ्रेंड एक दिन, कभी हो ना हो लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेंगे जब समय आएगा तो। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जितनी मेरे फ्रेंड है जो मेरे ज़्यादा ही क्लोज है, उससे मुझे बहुत मन है मिलने का। लेकिन कौन कौन है मैं अभी नहीं बताऊँगी, लेकिन मेरा बहुत मन है। तो चलिए फ्रेंड नीचे चलते हैं। और आरुषि, आरुषि को देखिए चूल में शैम्पू की है, सुखा आरुषि एक आधा घंटे से ऊपर ही होगा। और देखिए कितना सारा कपड़ा भी धोए है क्योंकि धूप उगी है बहुत अच्छा सा, इस वजह से। तो फ्रेंड यहाँ देखिए मैं खाना लगा दी हूँ, पापा जी और दोनों बच्चे खाना खा लेंगे। और यहाँ देखिए खिचड़ी, पापड़, आलू का चोखा, बैंगन का भाजा और आम का अचार, और बहुत स्वादिष्ट लगती है इस तरह से खिचड़ी बनाकर खाने से। मैं सारी सब्जी डालकर बनाई हूँ, बंद गोभी, मटर, सीम, आलू देकर मैं खिचड़ी बनाया है, और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर पापड़ भी छान दिए हैं, तो बच्चे और पापा जी खा लेंगे, और हस्बैंड जी आएंगे तो मैं भी खाना खा लूँगी। तो फ्रेंड चली जा रही हूँ छत पे, थोड़ा धूप लगाऊंगी। और सभी का खाना पीना हो चुका है, सोची आप सभी से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि बात नहीं हो पा रही है आप सभी से ठीक से। तो फ्रेंड सभी को खाना पीना करा कर चली आई हूँ छत पे, कुछ कपड़ा है जो ले जाना है, कुछ ले भी गई हूँ, सूख गया था। बैठने का व्यवस्था कर रहे हैं, नीचे पूरा गंदा है ना, इस वजह से बक्सा ले जा रहे, पकड़ो और से इसी पे बैठेंगे, साफ सुथरा है। अभी मैं पीछे वाले छत पे हूँ, देखिए
सामने थोड़ा सा धूप चली गई है तो इसलिए मैं पीछे आकर साहब सभी से बातें कर रही हूँ और जाते हैं, देखती हूँ कहाँ तक काम हुआ है। मिस्त्री भैया जी सब है घर पे ही। और फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल पे आए और व्यू मेरी बढ़ ही नहीं रही है फ्रेंड, फुलवार ज़रूर करिएगा। पहले जैसे मेरा बहुत ही व्यू आती थी 300 400 500 800 इस तरह का आती थी, लेकिन अब नहीं आ रही है फ्रेंड, इसलिए मन थोड़ा दिल दुखी हो गई है। सोचती हूँ क्या करूँ, कभी कभी सोचती हूँ जो वीडियो मैं छोड़ दूँ ना बनाऊँ, क्योंकि अभी मैं बिजी जा रही हूँ तो वीडियो अच्छा से नहीं बना पा रही हूँ, तो इस वजह से मेरा व्यू भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना करें फ्रेंड, अगर फ्रेंड किए बनाए हैं तो प्लीज़ दोस्ती निभाए, वीडियो पर आए। तो बस आज सिंपल सा छोटा बहुत मैं वीडियो बनाई हूँ। और यहाँ देखिए लौकी का पेड़, और इतना काफ़ी ठंड आ गई है ना फ्रेंड, जो क्या बताए, टाइम भी नहीं निकल पा रही है और देखते ही यूँ टाइम चली जाती है, शाम हो जाती है फ्रेंड। तो इसलिए सोचे आज आप सभी से थोड़ा सा बातें करते हैं। थोड़ा धूप में आई थी मैं ऊपर, और जबकि सभी का खाना पीना हो चुका है, हस्बैंड जी आते ही होंगे तो मैं भी खाना खा लूँगी। बस बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी सारा सब्जी डालकर, और इस तरह का खिचड़ी सब्जी डालकर मेरे घर में सभी को पसंद है। आज मैं दोपहर का सिंपल सा यही लंच बनाई थी। और यहाँ इसी को देखिए, और तो चलिए फ्रेंड्स शाम को मिलते हैं चाय के साथ। तो फ्रेंड अभी शाम की 7 बज रही है, ये 7 बजे का वीडियो है। तो शाम को सोची क्यों ना थोड़ा चिवड़ा फ्राई कर लिया जाए, आज शनिवार है, मतलब जिसे कितना पोहा बोलते हैं तो हम लोग चिवड़ा बोलते हैं, तो उसी को मैं कच्चा चिवड़ा को फ्राई कर रही हूँ। और शनिवार को जैसे भुजा बोलते हैं ना फ्राई किया हुआ, वो सब खाना चाहिए, इसीलिए मैं बनाई हूँ। और यहाँ पर चिवड़ा फ्राई हो गई थी, चिवड़ा फ्राई हो गई थी तो फ्रेंड उसके बाद मैं थोड़ा सा तेल डालकर भुट्टा का जो पापड़ होती है हमारे यहाँ पे मिलती है इधर, तो उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और फ्रेंड ये किस तरह की पापड़ होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं भूल गई थी दिखाना। ये देखिए इस तरह की पापड़ होती है, और तेल में देने से बहुत सुंदर सा फूल जाती है। लेकिन इसका नाम है, जैसे भुट्टा खाते हैं ना मकई जो बोलते हैं, भुट्टा का पापड़ है ये, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो जब भी फ्राई करते हैं तो एक चुटकी नमक दे देती हूँ तो नमकीन जैसा हो जाती है। और यहाँ देखिए फ्राई हो गई थी हमारी पापड़, तो मैं थोड़ा सा तेल देकर सूखा मिर्च दे दी, प्याज दे दी, प्याज हल्का भुज जाएगी तो मैं डाल दूँगी मटर, मटर प्याज देकर अच्छे से फ्राई करूँगी, नमक और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दूँगी। और शाम को चाय के साथ बस यही होगा हम लोग का नाश्ता, चाय और चिरा का फ्राई किया हुआ, जैसे कि पोहा बोलते हैं कितना, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग पूरे सीजन ठंडा में इस तरह से शाम को फ्राई करके हम लोग खाते हैं, जैसे कि इसे भुजा भी बोलते हैं गांव में। तो हम लोग भी गांव का ही है, रहते हैं टाउन में लेकिन है तो गांव का ही, तो हम लोग भुजा ही बोलते हैं फ्रेंड। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड यहाँ देखिए हमारी चिरा भी फ्राई हो गई थी, पापड़ भी फ्राई हो गई थी, और यहाँ पर देखिए मटर प्याज अच्छा से मैं भूज ले रही हूँ नमक हल्दी देकर। और जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैं डाल दूँगी जितना मैं चिवड़ा को फ्राई की हूँ, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है चाय के साथ। और सारा ठंडा पूरा ठंडा में हम लोग इस तरह से बनाकर खाते हैं। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, तो सारे चिवड़ा और पापड़ को एक साथ अच्छे से मिलाकर फ्राई कर ली, अब जाके मैं प्लेट में लगा दूँगी और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करूंगी शाम का नाश्ता। और आज है शनिवार, तो शनिवार को इस तरह का चिरा का भुजा या कुछ भी कोई चीज़ का भी भुजा खाना चाहिए, हम लोग मानते हैं इस तरह का, तो हम लोग खाते हैं पूरे ठंडा में ही, और गर्मी के दिन में भी चिरा फ्राई करके हम लोग खा लेते हैं। यहाँ देखिए तो हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, चाय पियेंगे, आप सब भी आ जाइए फ्रेंड। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।